हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। व्यूअर्स, आज की वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इंडियन T20 कैप्टनसी कार्ड के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर वन, वरिंदर सहवाग भारतीय T20 टीम के पहले कैप्टन हैं। इन्होंने 2006 में भारतीय टीम की क्यादत संभाली। इनकी क्यादत में भारतीय टीम ने एक मैच खेला और वो जीता। नंबर टू, एमएस धोनी 2007 से लेकर 2016 तक भारतीय टीम के कैप्टन रहे। इनकी क्यादत में भारतीय टीम ने 72 मैचेस खेले, 41 मैचेस जीते, 28 मैचेस हारे, एक मैच टाइड हुआ और दो मैच बगैर किसी रिजल्ट के ख़त्म हो गए। T20 फॉर्मेट का पहला वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने 2007 में एमएस धोनी की क्यादत में खेला, जो टाइटल भारत ने जीता। एमएस धोनी दुनिया के पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने बतौर कप्तान 1000 रन का इंसाबूर किया, और भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाले कप्तान भी एमएस धोनी ही हैं। नंबर थ्री, सुरेश रैना 2010 और 2011 में भारतीय टीम के आरजी कैप्टन मुकर्रर हुए। उनकी क्यादत में भारतीय टीम ने 3 मैचेस खेले और 3 मैचेस जीते। नंबर फोर, अजिंक्य रहाणे 2015 में भारतीय टीम के आरजी कैप्टन मुकर्रर हुए। इनकी क्यादत में इंडिया टीम ने 2 मैच खेले, 1 मैच जीता जबकि 1 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। नंबर फाइव, विराट कोहली 2017 और फिर 2020 में इंडियन टीम के कैप्टन रहे। इनकी क्यादत में भारतीय टीम ने 37 मैचेस खेले, 22 मैचेस जीते, 11 मैचेस हारे, 2 मैचेस टाइड रहे जबकि 2 मैचेस का कोई रिजल्ट नहीं आया। नंबर सिक्स, रोहित शर्मा भी 2017 और 2020 में इंडियन टीम के कैप्टन रहे। इनकी क्यादत में भारतीय टीम ने 19 मैचेस खेले, 15 जीते और सिर्फ 4 मैचेस हारे। अगर इनकी परसेंटेज को देखा जाए तो ये इंडियन टीम के कामयाब तरीन कैप्टन हैं। आई होप एवरीवन, आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।